जय हिंद। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया है। सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक। दूसरा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को थैंक्स। आखिर हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं? उसका रीज़न है, जब से कोरोना वायरस को लेकर जितनी बार भी मुख्यमंत्री जनता के सामने आए, फेसबुक लाइव के ज़रिए आए, जितनी बार भी आए, उन्होंने हर बार जनता की फिक्र करते हुए अपनी बात रखी। और हर वीडियो में उन्होंने सबसे पहले कहा मराठी में, आपण कसे आहात? कसे आहात आपण, बरे आहात ना? बहुत बड़ी बात है मुख्यमंत्री को जनता की इतनी फिक्र करना। और कभी उन्होंने आकर ताली और थाली बजाने की बात नहीं की, जनता के हित की बात की, जनता को समझाने वाली बात की। हर चीज़ में हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने जनता को एक हौसला अफजाई दी है और जनता से हर टाइम अपील की है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में इस वक्त रमज़ान का महीना भी चल रहा है। हर देश में रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ये गुजारिश करेंगे कि इस महीना जो ये रमज़ान का महीना जो शुरू हुआ है, उसके लिए मुसलमानों को काफ़ी चीज़ों की ज़रूरतें पेश आती है, जैसा अफ्तारी और सहरी। तो उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी करें ताकि लोगों तक का सहूलतें मिले। लॉकडाउन चल रहा है, ख़रीदी करते वक्त ख्याल रखने का काम भी करें साथों साथ, मगर सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हम ये गुजारिश करेंगे कि आप एक लाइफ और आइए और या एक सर्कुलर जारी कीजिए मुंबई महानगर पालिका के ज़रिए कि इस वक्त जो रमज़ान का महीना आया है, उसके लिए आप कितनी सहूलतें जनता को दे सकते हो ताकि वो रमज़ान का महीना जो है लॉकडाउन में घर में अच्छे से बिता सके। खाने पीने का जो भी सामान उनको सहूलतें मिल सकती है ख़रीदने के लिए, वक्त और टाइम उसको बढ़ाया जाए। बढ़ाने का रीज़न इसलिए हमारा एक सरकार को खाली एक सजेशन है कि आप जितना कम टाइम रखोगे, पब्लिक एक साथ क्राउड बाहर निकल के आता है और उसी वक्त में ये बीमारी फैलने का भी अंदेशा होता है। तो हम एक आपके सामने एक उदाहरण रख रहे हैं कि इसको गर्दी को कम करने के लिए थोड़ा वक्त पे ध्यान दे। और जहाँ तक एक गली गली में और यहाँ पे अगर हर जगह अगर गाड़ियाँ लग जाती है या धंधे लग जाते हैं अंदर ही अंदर, तो वहाँ के लोकल एरिए से ही लोकल लोग खरीदी कर सके। इस तरीके से ये क्राउड को कम किया जा सकता है और कोरोना वायरस से भी बचने का एक ज़रिया हो सकता है। आप जितना भी मार्केट में टाइमिंग कम रखोगे या उसके लिए एक पर्टिकुलर एक स्पॉट रखोगे, तो सारी भीड़ वहीं नज़र आती है। जिस तरीके से वाशी मार्केट है, वहाँ ख़रीदने अगर कोई जाता है तो एक साथ भीड़ चली जाती है। BKC में आपने मार्केट लगाई तो वहाँ पर भी एक साथ क्राउड वहाँ जमा ही होता है। उसमें कोरोना वायरस से बचने का कोई भी ऐसा ये नहीं है कि इंसान वहाँ पे पालन कर रहा है लॉकडाउन का या डिस्टेंस रख रहा है एक दूसरे से, वो भी नहीं नज़र आया। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ये चीज़ की गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दे ताकि ये रमज़ान का महीना लोगों के लिए अच्छे से जाए। और हम जनता से भी अपील करेंगे कि इस महीने में आप लॉकडाउन को ना तोड़े, उसका पालन करें और जितना भी हो सके घर में बैठे रहें। अगर आपको ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकले, या कोई हॉस्पिटलाइज का मसला है तो बाहर निकले, नहीं तो अपने घर में रहें। अगर बाहर निकलते तो मास्क पहनकर निकले। हम सरकार को हेल्प करेंगे साथों साथ, सरकार भी हमें इस चीज़ पर ध्यान दे के हमने नमाज तो मस्जिदों में बंद कर दी है, ना ही तरावी हो रही है, ना होगी, ना ही कोई नमाज हो रही है। तो हम इस चीज़ की गुजारिश करेंगे कि हम अपने अपने घरों में नमाज तो पढ़ ही रहे, मगर सरकार इस वक्त कुछ मुंबई महानगर पालिका से गाइडलाइन जारी करवा के जनता के सामने दे, या खुद एक बार फिर लाइव आकर जनता को मुसलमानों के लिए एक वीडियो ये भी बनाए कि
कि भाई इस तरीके से हम आपके लिए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। धन्यवाद।